इजराइल और ईरान के बीच इन दिनों हालात काफ़ी ख़राब हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। क्या आपको पता है कि ईरान के तार यूपी से भी जुड़े हैं? ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्ला अली खामेनाई के पूर्वज बाराबंकी के हैं। इनके दादा सैयद अहमद मूसवी हिंदी ने सन 1790 में बाराबंकी की श्रोलीगोसपुर तहसील क्षेत्र के छोटे से गांव किंतूर में ही जन्म लिया था। बाद में वो ईरान के खुमैन गांव में गए और वहीं बस गए। इनके पिता भी धार्मिक नेता थे, फिर भी सैयद अहमद मूसवी ने भी अपना उपनाम हिंदी ही रखा, जो भारत में उनके जीवन और समय की याद दिलाता था। सैयद अहमद मूसवी के पुत्र आयतुल्ला मुस्तफ़ा हिंदी का नाम इस्लामी धर्मशास्त्र के जाने माने जानकारों में शुमार था। उनके दो बेटों में छोटे बेटे रहुल्ला का जन्म सन 1902 में हुआ था, जो आगे चलकर आयतुल्ला अली खामेनाई या इमाम खामेनाई के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाराबंकी के किंतूर में बसे लोगों ने बताया कि आयतुल्ला रहुल्ला खामेनाई साहब के दादाजी सैयद अहमद मूसवी हिंदी का जन्म 1790 में यहीं पर किंतूर में हुआ था। आयतुल्ला अली खुमेनाई के परिवार के आदिल का कहना है कि 40 साल की उम्र में वो अवध के नवाब के साथ 1830 ईस्वी में इराक के रास्ते ईरान पहुँचे और वहीं पर खुमैन गांव में बस गए, क्योंकि वहां पर उन्हें अंग्रेजी सरकार के द्वारा काफ़ी परेशान किया जा रहा था। वहीं आदिल ने बताया, ईरान में बसने के बाद खुमैनी साहब के पिता आयतुल्ला मुस्तफ़ा हिंदी का जन्म हुआ और 1902 में आयतुल्ला रहुल्ला खामेनाई साहब का जन्म हुआ। जब हम लोग सुनते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की और इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की, तो हमें बहुत फ़ख्र होता है। उन्होंने कहा कि ईरान एक शांति पसंद मुल्क है और कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करता, लेकिन इस प्रकार हमारे लोगों और पूर्वजों के साथ हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। इन दिनों जो ईरान और हमारे पूर्वज के साथ हो रहा है, उसे सुनकर दुख भी हो रहा है। देखिए, जो आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी साहब थे, इनके दादा सैयद अहमद मूसवी साहब हिंदी, ये यहाँ सिंतूर से और बाराबंकी से माइग्रेट करके इराक गए, फिर वहाँ से ईरान गए। और जो युद्ध चल रहा है, तो इसराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, तो बिल्कुल भी मतलब कहीं तक सही नहीं है। इसराइल गाज़ा में बेगुनाहों पे बहुत सारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को, बच्चों को मार रहा है। तो ईरान जो है बेगुनाहों के साथ खड़ा है। ऐसा लगता है कि इसराइल गलत कर रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़मीनें और मकान तो नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसा निशानात नहीं है कि वो कहाँ। ये अपने बुज़ुर्गों से, अपने जो लोग हैं उनसे हमने जान सुना है कि वो यहाँ से, यहीं के किंतूर के रहने वाले थे और किंतूर से माइग्रेट करके 1834 में यहाँ से गए थे।